हेलो दोस्तों, टेस्ट बिहार का चैनल में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति आने वाला है, मैंने ये काले तिल का लड्डू बनाया है। आप लोग बताइएगा कैसा बना। और ऐसे वैसे ये विंटर का सीजन के लिए बहुत फायदेमंद है हेल्थ का दृष्टि से। आप लोग भी बनाइएगा और देखिए कितना अच्छा बना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो काले तिल का लड्डू बनाने के लिए ये मैंने 200 ग्राम काला तिल लिया है और जितना तेल उतना ही गुड़ चाहिए। तो 200 ग्राम मैंने गुड़ भी लिया है। ये थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट है, यानी नारियल का बुरा था, और ये थोड़ा सा घी। सबसे पहले हम लोग तेल को रोस्ट कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। हम लोग को लगातार इसे चलाते रहना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 10 मिनट में ये रोस्ट हो जाएगा। देखिए रोस्ट हो गया, इससे आवाज भी आ रहा है चटकने का, इसका मतलब ये रोस्ट हो गया। अब इसको हम लोग साइड में रख लेते हैं और दूसरा कढ़ाई चढ़ा के इसको थोड़ा गर्म होने के लिए देते हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इसमें ये गुड़ डाल देंगे। थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग पानी और इसको कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पे इसको पकाना है। देखिए दोस्तों गुड़ पक गया है, कितना अच्छा बबल आने लगा है। इसको ज्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें हम लोग ऐसे इसे चेक भी कर सकते हैं पानी में डाल के। देखिए कितना अच्छा ये जम गया, इसका मतलब ये पक गया। अब हम लोग ये तेल डाल देते हैं भुना हुआ, चूल्हा बंद कर देते हैं और ये नारियल डाल देते हैं। नारियल का बुरा था, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको मिला लेते हैं। देखिए दोस्तों जब ये गर्म रहे तभी थोड़ा थोड़ा ऐसे लेके हाथ में पानी लगा के इसका छोटा छोटा लड्डू बना लेना है। ठंडा होने पर फिर ये जम जाएगा, फिर बनेगा नहीं लड्डू। ऐसे ही पानी लगा के छोटा छोटा लेके ऐसे हम लोग को लड्डू सारा बना लेना है। देखिए दोस्तों सारा लड्डू मैंने बना लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ये डेसिकेटेड कोकोनट थोड़ा सा छिड़क देते हैं। आप लोग भी घर में बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।